लेडीज सर्किल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष निधि कर्णानी ने कहा कि इस वर्ष हमने बच्चों के कैंसर को लेकर थीम प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें उनकी कीमोथेरेपी और उपचार के साथ उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्किल इंडिया द्वारा प्रदेश का पहला स्मार्ट यानी डिजिटल स्कूल भिलवाड़ा जिले में बनाया जाएगा। इस स्कूल में पहली से दसवीं तक का पूरा सिलेबस डिजिटलाइज्ड होगा। निधि कर्णानी आज एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा आई थी। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के समय भी कई कार्यों को किया है, जिससे कि लॉकडाउन में आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। हम महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना व अपने परिवार का पालन कर सके। कार्यक्रम में राजस्थान एरिया चेयरपर्सन स्वाति जोहर, भिलवाड़ा लेडीज सर्कल की चेयरपर्सन निकिता पाटोदी, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट पूजा गुलूडिया, एरिया टेंजेंट चेयरमैन सुदीप गुलुंडिया और नेशनल एलएडीपी कन्वीनर ध्रुव अग्रवाल, भिलवाड़ा राउंड टेबल चेयरमैन अंकित अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस साल हमने पीडियाट्रिक कैंसर, मतलब बच्चों का कैंसर को हमने इस बार अपना थीम प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हम उनकी कीमोथेरेपी, उनकी रेडिएशन, उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और उनका जो मंथली पोषण है, उसके बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। कोरोना के टाइम्स में हमने, जैसे अभी इन्होंने बताया था कि हमने लाखों लोगों को राशन प्रोवाइड कराया था, मास्क, सैनिटाइजर्स, फेस शील्ड्स। सो फ्रंटलाइन, जहाँ काफ़ी जगह में जब एकदम प्रॉपर लॉकडाउन था, तो हमने पुलिस की मदद से ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराई थी। 200 टैब्स हमने प्रोवाइड किए, बिकॉज सब कुछ सडनली डिजिटलाइज हो गया और लोगों के पास उसकी सुविधा नहीं थी, तो उसमें भी हमने काम किया है। महिलाओं के लिए हमने इस साल क्रिम्जन यूनिट का की स्थापना की है अलग अलग शहरों में। इसमें हम क्या है, ये सैनिटरी नैपकिन मेकिंग यूनिट्स हैं प्रॉपर, जिसमें हम महिलाओं को ट्रेन करते हैं कि वो कैसे उसको बना सकते हैं और अपनी रोजगारी का ध्यान दे सकते हैं खुद से। इससे उनकी उनका जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान दिया जा रहा है और उसके साथ ही उनकी रोजगारी का भी ध्यान दिया जा रहा है।